हाँ जी दोस्तों नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब? तो मैं उपस्थित हो चुकी हूँ आपके अगले वीडियो लेक्चर के साथ, जिसमें हम बात करेंगे जयशंकर प्रसाद की गद्य कृतियों की। और गद्य कृतियों में भी हम केवल उपन्यासों और कहानियों की ही बात करेंगे, नाटक की बात हम इससे अगले व्याख्यान में करेंगे। तो ठीक है, सबसे पहले मैं इनकी बात करती हूँ कहानी संग्रहों की। तो कहानी संग्रह कौन कौन से थे? कहानी संग्रह, क्योंकि जयशंकर प्रसाद जो है वो हिंदी के मौलिक कहानीकारों में बहुत अग्रणी स्थान रखते हैं। इन्होंने हिंदी कहानियों के लिए एक नवीन पृष्ठभूमि तैयार की, क्योंकि जो मुंशी प्रेमचंद थे वो कहानियों में समाज यथार्थवाद लेकर के आए, परंतु ये अपनी कहानियों में रोमानियत लेकर के आए, प्रेम लेकर के आए, सौंदर्य की अभिव्यक्ति, अतीत का गौरव इनकी कहानियों में दिखाई पड़ता है। तो आज इनकी कहानियों की और इनके कहानी संग्रहों की बात होगी। तो सबसे प्रथम इनका कहानी संग्रह था, पहले इनकी पहली कहानी की बात कर लेते हैं। इनकी जो प्रथम कहानी थी, प्रथम कहानी कौन सी थी इनकी? इनकी प्रथम कहानी थी ग्राम, जो 1911 ईस्वी में इंदू पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। इंदू पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, परंतु इस ग्राम कहानी में इनका जो है वो उत्कृष्ट रूप नहीं मिलता कहानी लेखन का, क्योंकि जो विद्वान हैं वो मानते हैं कि यह कहानी कम और रेखा चित्र अधिक दिखाई पड़ता है। मतलब इसमें घटनाओं का विकास इतने अच्छे ढंग से नहीं किया गया, केवल एक रेखा सी खींच दी गई है। तो क्या है, प्रथम कहानी ग्राम है, इंदू पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, परंतु इसे विद्वान क्या मानते हैं, रेखा चित्र मानते हैं। इनकी कहानी कला का उत्कृष्ट रूप इस कहानी में दिखाई नहीं पड़ता है। तो इनके कहानी संग्रह की अगर हम बात करें, प्रथम कहानी संग्रह था इनका, जिसका नाम था छाया। कब प्रकाशित हुआ था ये? 1912 में। इसमें क्या थी, इसमें केवल 5 कहानियां थी। इसमें क्या थी, केवल 5 कहानियां थी। कौन कौन सी कहानियां थी? एक तो थी चंदा, दूसरी थी ग्राम, तीसरी थी रसिया बालम, चौथी थी तानसेन, और 5वीं थी मदन मृणालिनी। ठीक है, ये सारी जो कहानियां थी वो इसमें संग्रहित थी। जो प्रथम इनका काव्य संग्रह था उसमें केवल 5 कहानियां थी, चंदा, ग्राम, रसिया बालम, तानसेन और मदन मृणालिनी। परंतु जब इसका 1918 ईस्वी में दोबारा दूसरा संस्करण आया तो उसमें 6 कहानियां और जोड़ दी गई। लिख लीजिए इसको, 1918 में 6 कहानियां जोड़कर इनकी संख्या कितनी कर दी गई? 11 कर दी गई। ठीक है, तो प्रथम कहानी संग्रह कौन सा था? छाया था। कब प्रकाशित हुआ? 1912 में। केवल कितनी कहानियां थी? 5 कहानियां थी, लेकिन ये कहानियां कम, आख्यिकाएं ज़्यादा थी। कहानियां भी छोटी छोटी सी कहानियां थी, इतना अधिक विस्तृत रूप कहानियों का इसमें देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि शुरुआत थी तो इतना प्रखर और उत्कृष्ट रूप इसमें दिखाई नहीं पड़ता है। ठीक है, तो दूसरा इनका काव्य कहानी संग्रह था, जिसका नाम है प्रतिध्वनि। ये प्रकाशित हुआ था 1926 ईस्वी में। इसमें
15 कहानियां संकलित थी। इसमें कितनी थी? 15 कहानियां संकलित थी। परंतु इसमें इनका कवि रूप अधिक दिखाई पड़ता है। इन कहानियों में इनका कवि रूप अधिक प्रखर है। ठीक है, अगला इनका, कुल कहानियां कितनी थी इसमें? 15 थी। अगला इनका जो मिलता है वो 1929 ईस्वी में इन्होंने लिखी थी आकाशदीप। आकाशदीप कहानी संग्रह मिलता है इनका, 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था ये, और में 19 कहानियां हैं। कितनी कहानियां हैं इसमें? 19 कहानियां हैं। इसमें कहानियों का पूर्ण विकसित रूप दिखाई पड़ता है। ठीक है, किसमें मिलता है? आकाशदीप में। चौथा इनका कहानी संग्रह था जिसका नाम था आंधी। कब प्रकाशित हुआ? 1931 ईस्वी में। और जो बहुत ही इनकी फेमस कहानी है पुरस्कार, ये इसी कहानी संग्रह में संकलित थी। और इस कहानी संग्रह में क्या है, कुछ कहानियों में पात्रों का मनोवैज्ञानिक विवेचन हुआ है। विवेचन कह लीजिए, वर्णन कह लीजिए, ठीक है। और कुल कहानियां अगर इसमें मैं बात करूं तो इसमें कुल कहानियां थी 11 कहानियां थी इसमें। इसको इनको अच्छे से, जब आप नोट्स बना रहे होते हैं तो इनको अच्छे से उसमें नोट्स में लिख लीजिएगा, ठीक है। पांचवा इनका कहानी संग्रह था जिसका नाम था इंद्रजाल। ये प्रकाशित हुआ था इनके जीवन के अंतिम वर्षों में ही, 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और गुंडा और जो सालवती, जो इनकी बहुत महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध कहानियां हैं, वो इसी कहानी संग्रह में संकलित है। गुंडा और सालवती इसी कहानी संग्रह में संकलित है, इसको पूरा कर लीजिए। और इसमें कुल कितनी कहानियां थी? गुंडा में, इंद्रजाल में कुल 14 कहानियां थी, ठीक है। ये क्या थे इनके? ये थे इनके कहानी संग्रह। पहला कहानी संग्रह कौन सा था? छाया था, जो कब प्रकाशित हुआ था? 1912 में। कहाँ प्रकाशित हुआ था? इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। जब अगला संस्करण 1918 में आया तो उसमें क्या कर दिया गया? 6 कहानियां और जोड़ करके उनकी संख्या 11 कर दी गई थी। कौन कौन सी कहानियां थी वो मैंने आपको बताया था, ठीक है। दूसरा कहानी संग्रह कौन सा था इनका? प्रतिध्वनि था। कब प्रकाशित हुआ? 1926 में। कितनी कहानियां थी? 15 कहानियां थी। और इनमें कवि रूप इनका अधिक दिखाई पड़ता है। आकाशदीप तीसरा था 1929 में, 19 कहानियां थी, 9 और 9, इसे ऐसे याद रख सकते हो। और इसमें कहानी कला का इनका पूर्ण विकसित रूप मिलता है। आंधी जो 1931 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, और किसी में एक किताबों में 1929 भी दे रखा है, ये बड़ी कंफ्यूज करने वाली चीज़ें होती हैं, ठीक है। कुछ कहानियों में पात्रों का मनोवैज्ञानिक विवेचन हुआ है, जो पुरस्कार कहानी है वो इसी कहानी संग्रह में संकलित है। इंद्रजाल 1936 में, गुंडा और सालवती जो है इसी कहानी संग्रह में है, और कुल कितनी कहानियां हैं इसमें? 14 कहानियां हैं, ठीक है। तो ये थे इनकी प्रथम कहानी अगर पूछ ली जाए तो वो कौन सी थी? ग्राम थी। कब प्रकाशित हुई थी? 1911 में। कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? इंदु पत्रिका में प्रकाशित
हुई थी। इनकी जितनी भी रचनाएं हैं वो ज़्यादातर इंदू पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, क्योंकि इंदू पत्रिका को स्थापित करवाने वाले स्वयं जयशंकर प्रसाद ही थे, और इसका जो प्रकाशन और संपादन है इनके भांजे थे अंबिका प्रसाद गुप्त, वो इंदू पत्रिका का प्रकाशन किया करते थे। ठीक है, तो ये थे इनके कहानी संग्रह। तो अब इनके उपन्यासों की बात कर लेते हैं। उपन्यास इन्होंने अपने जीवन में केवल 3 उपन्यास लिखे, 2 उपन्यास जो थे वो पूर्ण थे और 3रा उपन्यास इनका अधूरा था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जयशंकर प्रसाद जो हैं वो अपने नाटकों में या फिर अपनी कविताओं में या फिर अपनी कहानियों में भारत के अतीत का गौरवशाली वर्णन करते हैं, या फिर वो रोमांच की या रोमांस की बात कर रहे हैं, सौंदर्य की बात करते हैं, परंतु इनके उपन्यासों में यथार्थवादी वर्णन देखने को मिलता है। यहाँ वो यथार्थवादी हो जाते हैं। पहला इनका उपन्यास है कंकाल, कब प्रकाशित हुआ, 1929 में। और इस कंकाल में क्या है, ये धार्मिक रूढ़िवादिता और थोथी नैतिकता पर करारा व्यंग्य करते हैं, और इसमें क्या दर्शाया गया है, इसमें नगरीय जीवन को दर्शाया गया है, नगरीय जीवन की घटनाओं पर आधारित है। ठीक है, और दूसरा इनका उपन्यास है जिसका नाम है तितली, ये प्रकाशित हुआ था इनका 1934 में, और इसमें ग्रामीण जीवन को दर्शाया गया है। यहाँ पर वो पूर्णतः यथार्थवादी हो जाते हैं, लेकिन यहाँ फिर वो सुधार की बात करने लग जाते हैं, आदर्शों की बात करने लग जाते हैं, इसमें तितली में। ठीक है, इसमें 3 पात्र मुख्यतः दिखाई देते हैं, एक तो है शैला, दूसरी है तितली, और 3रा पात्र जो है उसका नाम है मधुआ। ठीक है, और 3रा इनका उपन्यास है जिसका नाम है इरावती, जो कि क्या रह गया, अधूरा रह गया। और इसमें कहानी क्या है, इसमें बौद्ध धर्म की पत्नोन्मुख अवस्था को दर्शाया गया है, तो ये क्या थे, ये इनके उपन्यास थे। कौन कौन से थे, कंकाल, तितली और इरावती। कंकाल 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, इसमें क्या है, धार्मिक रूढ़िवादिता और थोथी नैतिकता पर व्यंग्य है, नगरीय जीवन पर आधारित है। तितली 1934 ईस्वी में कब प्रकाशित हुआ, 1934 में प्रकाशित हुआ, किस पर आधारित है, ग्रामीण जीवन पर आधारित है, और 3 पात्र हैं मुख्यतः शैला, तितली और मथुआ। इरावती ये अधूरा है, बौद्ध धर्म की पत्नोन्मुख अवस्था को इसमें दर्शाया गया है। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले व्याख्यान में हम बात करेंगे इनके नाटकों की, बहुत विस्तृत रूप से चर्चा होगी। तो आपको मेरा ये लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा, और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।